अगर अपन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के बारे में बात करें तो सर आपने बताया था कि एक फिजिकल कैपिटल होती है, एक ह्यूमन कैपिटल होती है, एक मटेरियल कैपिटल होती है। सर जो अपना आज का मेन ऑब्जेक्टिव है वो पढ़ेंगे रोल ऑफ ह्यूमन कैपिटल। सर इसका मतलब मैं आपसे बहुत इंपॉर्टेंट बात करने वाला हूँ सर, ह्यूमन कैपिटल पे खर्चा करने का। आज जो पेरेंट्स अपने बच्चों की KSA, नॉलेज, एक्सपीरियंस, स्किल्स, एबिलिटी, जो ये सब बढ़ाते हैं, जो अलग अलग उसको एक्सपोजर्स देते हैं, तो अगर मैं तुमसे बात करूं, आज कोई भी पेरेंट्स अगर अपने बच्चों का नॉलेज, स्किल्स, एबिलिटी पे खर्चा करते हैं, उनको अलग अलग स्कूल में भेजते हैं, उनको बहुत सारी कॉम्पिटिशंस करवाते हैं, उनको बहुत सारी चीजों में अपडेट करते हैं, तो इन सब का बेनिफिट क्या कि ह्यूमन कैपिटल का एक्चुअल रोल क्या है बच्चे की ग्रोथ में। तो रोल ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन द डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। सर कहीं अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ यार बेटा, सर पहला पॉइंट क्या बोलता है इसकी तरफ, चेंज इन इमोशनल, चेंज इन इमोशनल, चेंज इन व्हाट, इमोशनल एंड चेंज इन व्हाट, इमोशनल एंड मटेरियल एनवायरनमेंट ऑफ ग्रोथ। आई रिपीट, चेंज इन इमोशनल एंड मटेरियल एनवायरनमेंट ऑफ ग्रोथ। सर मैं आपसे सिर्फ एक बात बताना चाहूंगा, जब भी आप आपके स्कूल जाते हैं या आप किसी MUN में जाते हैं, अभी आपकी में से बहुत सारे स्कूल की MUNs थी, तो जब आप किसी स्कूल में जाते हैं, किसी MUN में जाते हैं या ऐसी कोई सी भी जगह जाते हैं, तो आपको लगता नहीं है कि आपके अंदर एक अलग ही चेंज आता है? सर कैसा चेंज आता है? आपका इमोशनल और मटेरियल एनवायरमेंट, मतलब आपकी थिंकिंग स्किल्स, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स, भैया कम्युनिकेशन, हाँ बेटा, थोड़ा कैमरा ऊपर कर दो प्लीज। कम्युनिकेशन स्किल्स, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, आपकी थिंकिंग स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, प्रेजेंटेशन स्किल्स, ये सब चेंज होती है। हाँ सर, कहाँ हम बहुत बार भीड़ से घबराते थे, मतलब क्या, जब बहुत सारे बच्चे एक साथ दिखते थे तो हमको अचानक डर लगता था, हम थोड़े से इंट्रोवर्ट हुआ करते थे, लेकिन जैसे ही ह्यूमन कैपिटल पे खर्चा किया जाता है, जैसे ही बच्चा अपनी ये सब चीजें बढ़ाता है, तो क्या बच्चे का मटेरियल एनवायरनमेंट चेंज हो जाता है? हाँ सर। तो इमोशनल और मटेरियल एनवायरनमेंट क्यों क्यों इस पे खर्चा करा जाए, क्यों बच्चों को एक्सपोजर दिया जाए, क्यों बच्चों को अलग अलग कॉम्पिटिटिव की तैयारी करी जाए, तो क्योंकि आपका ये सब बेनिफिट होता है। तो सेकंड बात करें तो हायर प्रोडक्टिविटी ऑफ फिजिकल प्रैक्टिस, हायर प्रोडक्टिविटी ऑफ फिजिकल कैपिटल। मैं आपको बात बता रहा हूँ, ये बहुत बेसिक सा पॉइंट है। अगर मैं बोलूँ आपके दो फ्रेंड्स, मतलब आप में से कोई भी दो फ्रेंड हो या मेरे पास कोई भी दो जने सामने हो, उसमें से एक को भी मैंने 1 लाख रुपए दिया और दूसरे वाले को भी, एक को भी मैंने 1 लाख रुपए दिया और मैंने बी को भी 1 लाख रुपए दिया, दोनों को 1 लाख रुपए दिया, क्या 1 साल बाद ए और बी दोनों 1 लाख रुपए का इक्वल रिटर्न लाएंगे क्या? सर ए और बी क्या दोनों 1 साल बाद 1 लाख रुपए का इक्वल रिटर्न लाएंगे क्या? उतना ही एक जितना कमा पाएंगे कि अलग अलग कमा पाएंगे? और उसमें से बोलूं, ए हाईली एजुकेटेड है, एजुकेटेड और ट्रेंड है, और जो बी है अपना, बी ने अपनी 6th क्लास तक की एग्जाम पास करी है, मतलब ए एजुकेटेड है, ट्रेंड है, इंग्लिश इंग्लिश आती है, तो मैंने ए को 1 लाख दिए और बी को 1 लाख रुपए दिए, क्या दोनों तरफ का रिटर्न सेम होगा कि अलग अलग होगा? बच्चे बताएं मुझे, सर दोनों तरफ का रिटर्न सेम होगा कि अलग अलग होगा? लॉजिकली तो सर अगर अलग अपन बात करें, ये बंदा है, इसके पास एडुकेशन है, ट्रेनिंग है, स्किल्स है, लोगों से बात करने की कला है, तो शायद ये 1 लाख को ज्यादा बढ़ा पाएगा एज कंपेयर टू बी। सिर्फ क्यों? क्योंकि आप पॉइंट ये पढ़ रहे हो कि जिसकी ह्यूमन कैपिटल, जब आप ह्यूमन कैपिटल को बढ़ाते हो तो ऑटोमेटिकली, जैसे ही आप ह्यूमन कैपिटल को बढ़ा रहे हो, आप अच्छे साइंटिस्ट, अच्छे डॉक्टर्स, अच्छे एंटरप्रेनर्स, अच्छे साइंटिस्ट, डॉक्टर्स, एंटरप्रेनर्स, अच्छे इंजीनियर्स इकोनॉमी को दे रहे हो, अच्छे इंजीनियर्स इकोनॉमी को दे रहे हो, आप लोगों को वेल डेवलप्ड वे ऑफ थिंकिंग दे रहे हो, वेल डेवलप्ड वे ऑफ थिंकिंग दे रहे हो, तो सर इससे कुछ नहीं होता,
इससे जो देश की फिजिकल कैपिटल है, सर फिजिकल कैपिटल में आता है आपका मनी, आपका मटेरियल, आपका मनी, आपका मटेरियल, आपका मशीन्स, आपके रिसोर्सेस, आपके देश की लैंड, ये सब आपके देश का आता है। तो अगर आपके दिमाग, आपके पास दिमाग वाले एंटरप्रेन्योर्स नहीं है, आपके पास क्वालिटी वाले स्टूडेंट्स नहीं है, आपके पास क्वालिटी साइंटिस्ट नहीं है, अगर आपके पास एपीजे अब्दुल कलाम नहीं है, अगर आपके पास सुंदर पिक्चर या दिमाग करने वाला कोई बंदा नहीं है, अगर आपके पास अच्छे एंटरप्रेन्योर्स नहीं है, अगर आपके पास अंबानी नहीं है, तो आप अपने देश के मनी मटेरियल मशीन का भी यूज नहीं कर सकते हो। तो सर आप पढ़ा क्या रहे हो? बेटा मैं पढ़ा रहा हूं कि जब आपका ह्यूमन कैपिटल अच्छा होता है तो ऑटोमेटिकली फिजिकल कैपिटल की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। सर थर्ड क्या है? इनोवेटिव स्किल्स। सर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन आपके अंदर कुछ नया सोचने की, अभी बताओ मेरे पास कुछ 12th क्लास में ऐसे स्टूडेंट है तुम्हारे ग्रुप में से ही, जिनका करियर उन्होंने कुछ अलग ही सोच के रखा है। सर मैं तो 12th के बाद वो सैट देने वाला हूँ, सैप देने वाला हूँ, मैं ऐसा कर रहा हूँ कि मैं इसमें कोई कंप्यूटर का डिप्लोमा कोर्स करूंगा। सर ये सब क्या है? आप कोई कंप्यूटर का डिप्लोमा कोर्स करने जाते हो? कुछ बच्चे सैप सॉफ्टवेयर देख रहे हैं, कुछ बच्चे सैट की एग्जाम दे रहे हैं, कुछ बच्चे आईपीएम की तैयारी कर रहे हैं, और उसके अलावा कुछ और अलग अलग बच्चे अलग अलग तरीके से कुछ ना कुछ इनोवेशन करते जा रहे हैं। तो बेटा जब तक ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन पे प्रॉपर खर्चा नहीं होता है, प्रॉपर तरीके से उसका डेवलपमेंट नहीं होता, तो आपके देश में इनोवेटिव स्किल्स आना भी मुश्किल है। अभी गर्मियों में मालूम पड़ रहा था कि एक जने ने करीबन 5,000 रुपये में एसी बना दिया, और 5,000 रुपये में एसी वैसे ही कूलिंग करेगा जैसे अपना वाला एसी था। तो 5,000 रुपये में एसी, तुम्हारी कसम, हाँ यार 5,000 रुपये में एसी। तो सर आप समझाना क्या चाहते हो कि 5,000 रुपये में एसी बना दिया, ये क्या है? इनोवेटिव स्किल। ठीक है बेटा, जैसे ही ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का रेट बढ़ता है तो बेटा उसी से हायर रेट ऑफ पार्टिसिपेशन, हायर रेट ऑफ पार्टिसिपेशन एंड इक्वेलिटी आती है, हायर रेट ऑफ पार्टिसिपेशन एंड इक्वेलिटी आती है, हायर रेट ऑफ पार्टिसिपेशन एंड इक्वेलिटी आती है, हायर रेट ऑफ पार्टिसिपेशन एंड इक्वेलिटी आती है। इसका मतलब जब आपकी ह्यूमन कैपिटल अच्छे से होती है तो आपका रेट ऑफ पार्टिसिपेशन और इक्वेलिटी बड़ी भी रहती है। बच्चों से डाउट फॉरम खोलना चाहूंगा। प्रॉब्लम्स विथ फेसिंग इन डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, कैमरा प्रॉब्लम्स ऊपर ह्यूमन तो कैपिटल फॉर्मेशन प्रॉब्लम्स। अपन इसको स्टार्ट करें तो अपने पास गेम क्या चल रहा है कि अपने देश में क्यों ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स इतना लो है। सबसे बड़ी है अपने पास राइजिंग पॉपुलेशन। राइजिंग क्या है? पॉपुलेशन। क्या आपके देश की पॉपुलेशन बहुत हाई है? हाँ बेटा, आपके देश की पॉपुलेशन हरा है, तो हर धारावी के बच्चे को, हर गांव के बच्चे को, हर स्लम एरिया के बच्चे तक उस लेवल की एडुकेशन पहुंचाना इतना इजी पार्ट नहीं है। हाँ तुम और मैं ब्लेस्ड इनफ है कि हम अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं, हमारे घर वाले हमको अच्छे से पढ़ा पाए हैं, अच्छे से पाल पोस पाए हैं, अच्छे से एजुकेट कर पाए हैं, अलग अलग कॉम्पिटिशन में भेज पाए हैं, अच्छी बात है। लेकिन अगर अपन देश की पॉपुलेशन देखें तो अपन नंबर वन है 138 करोड़ के साथ, वी स्टैंड नंबर वन इन द वर्ल्ड। और उसके हिसाब से जो रिसोर्सेज है वो हमारे पास इतने ज्यादा नहीं है, वो हमारे पास इतने ज्यादा नहीं है। तो 138 करोड़ की पॉपुलेशन है हमारे पास, तो हम रिसोर्सेज में क्या है बेटा, अगर अपन बात करें तो उतने रिसोर्सेज नहीं है कि अपन हर बच्चे को उतने ही प्रकार की एजुकेशन दे पाए, उतने ही प्रकार की चीजें दे पाए। ठीक है बेटा, सेकंड हमारे पास प्रॉब्लम है ब्रेन ड्रेन। ये बहुत गंदी बात है यार। आज जैसे मेरे जीआई है, वो जीआई माइक्रोसॉफ्ट में काम करते हैं, उसमें माइक्रोसॉफ्ट में भी उनका बहुत बार यूएस जाना होता है। तो जितना भी काम कर रहे हैं यूएस के लिए, ये सुंदर पिक्चर ही है, साला गूगल का सीईओ बन गया। आपको लग रहा है सर अच्छी बात है? हाँ बिल्कुल अच्छी बात है, सुंदर पिचाई गूगल का सीईओ बन गया, लेकिन उसने एडुकेशन कहाँ से ली? सर उसने एडुकेशन और रिसोर्सेस, रिसोर्सेस आर यूज ऑफ इंडिया, मतलब रिसोर्सेस यूज करते हो इंडिया के, और जो अपनी स्किल्स है, स्किल्स और ह्यूमन कैपिटल, स्किल्स और ह्यूमन कैपिटल सेल करते हो आउटसाइड इंडिया।
इसका मतलब जितने भी इंडिया के पढ़े लिखे बच्चे, आज तुम में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो 11 से ही प्लानिंग करते हैं, सर हम तो यूएस जाएंगे, यूके जाएंगे, मैं इस यूनिवर्सिटी में पढ़ूंगा, फिर वहीं पे मेरा जॉब लग जाएगा, वहां पे मैं इतने लैक्स कमा लूंगा, मैं इस की एग्जाम दे रहा हूँ, मैं सैप की एग्जाम दे रहा हूँ, मैं सेट की एग्जाम दे रहा हूँ। तुमको लग नहीं रहा कि तुमने साला फर्स्ट क्लास से लेके 12th क्लास तक इंडिया में पढ़ा, इंडिया के टीचर्स यूज करे, इंडिया का नॉलेज यूज करा, इंडिया का मैथ्स यूज करा, सब कुछ इंडिया का यूज करा, और जब कमाने की बारी आई, जब दिमाग को लगा के देने की बारी आई, तो तुम भागते हो बाहर। और सर ऐसा एक बच्चा नहीं करता, बहुत सारे बच्चे करते हैं, और सर प्रैक्टिकली वो बच्चे ज्यादा करते हैं जिन बच्चों के पास दिमाग भी होता है और पैसा भी होता है। तो क्या सर हमारे पास ब्रेन ड्रेन की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है क्या? हाँ यार, जितने लोग देश को उठा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, वो देश को उठाने की जगह सीधे बाहर चले जाते हैं। तो क्या एक ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है? हाँ बेटा, माइग्रेशन ऑफ इंडियन, माइग्रेशन ऑफ स्किल्ड इंडियंस, माइग्रेशन ऑफ स्किल इंडियंस इज अ बिग प्रॉब्लम। क्योंकि बेटा उस समय तक तुम इतने मनी माइंडेड हो जाते हो, इतने मनी माइंडेड कि तुमको जो ज्यादा पैसा देगा, तुम्हें कोई पैट्रियोटिज्म की फीलिंग ही नहीं होती, तुमको लगता है नहीं यार बाहर ही जाए। तुम सेल्फ सेंटर्ड, डेफिशिट मैन पावर प्लानिंग। तो इसका मतलब क्या, मैं आपको बता दूं अभी के बारे में, अभी के इस लॉकडाउन में बात कर रहा हूं मैं आपको बता रहा हूं, इंडिया में बहुत सारे जॉब्स हैं, उसके लिए एम्प्लॉयज नहीं है, बहुत सारे एम्प्लॉयज हैं जिनको लग रहा है कि जॉब नहीं। ये एक प्रकार का अपने देश का बहुत बड़ा मिथ है कि अपने देश में बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट नहीं, अपने देश में बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट। सर ये क्यों मिथ है? सुन ना, अगर तू लिंक्डइन खोल के देख, लिंक्डइन एक साइट होती है, लिंक्डइन खोल के देख, एक नकेत है लिंक्डइन हो गई, एक आपकी naukri.com खोल के देख, एक monster.com खोल के देख, एक shine.com खोल के देख, और ऐसे बहुत सारी चीजें खोल के देख, देखो मिलेगा इतने सारे जॉब्स हैं, इतने सारे जॉब्स हैं। और ऐसा नहीं कि स्किल्ड जॉब्स हैं, स्किल्ड प्लस अनस्किल्ड दोनों जॉब्स हैं, देश में खूब जॉब है, लेकिन जो लोगों के पास जॉब्स हैं, जो लोग जॉब देना चाहते हैं, उनको राइट एम्प्लॉयज नहीं मिल पा रहे, क्योंकि इंदौर में बैठा हुआ एक मास्टर करा हुआ धंधा सोच रहा है कंपनी उसकी घर तक आएगी, उसने यहाँ पे अपना अकाउंट बना के ही नहीं रखा है। ऑन द कॉन्ट्री, ऑन द कॉन्ट्री बहुत सारे तुझे से मुझे से पढ़े लिखे लोग सोचते हैं कि जॉब नहीं है, जॉब नहीं है, जॉब नहीं है, जबकि हर साल डिलॉयट के अंदर, मैं आपको बड़ी कंपनी के बारे में बता रहा हूँ, डिलॉयट के अंदर, बिग फोर के अंदर, हैप्पीएस्ट माइंड के अंदर, इतनी वैकेंसीज निकलती हैं कि इनको उल्टा पैसा खर्च करना पड़ता है एम्प्लॉयज को लाने के लिए, उल्टा एम्प्लॉयज को लाने के लिए। तो सर आप बताना क्या चाहते हो? मैं इतनी बात बताना चाहता हूँ सर, जॉब भी है, एम्प्लॉयज भी हैं, बट मैन पावर प्लानिंग का डेफिशिएंट है। मैन पावर प्लानिंग का डेफिशिएंट है मतलब जो बहुत बार काबिल नहीं है उसको जॉब लग जा रहा है, और बहुत बार जो काबिल है वो जॉब तक पहुंच ही नहीं पा रहा, या वो इन पर्टिकुलर सोर्सेस को यूज ही नहीं कर रहा। अगर आप किसी भी इन साइट को आज खोल के देखो, तो एक 12th के अंदर वाले, 12th पास भी नहीं, 10th पास बच्चे के लिए बहुत सारे जॉब है, 15-15, 20-20 हज़ार के जॉब। आप व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे देखो, बहुत सारे डिजिटल मार्केटिंग के जॉब्स हैं। तो क्या सर जॉब है? सबके लिए जॉब है, लेकिन जो जॉब के लिए एक्वायर्ड स्किल्स चाहिए, कभी कभी बंदे के पास वो नहीं है, कभी कभी बंदा चाह पता ही नहीं उस बंदे को कि जॉब भी अवेलेबल है। ये सारी है बेटा अपनी एक कुछ प्रॉब्लम वाली बातें है ना बेटा। नेक्स्ट क्या है आपके पास? अगर अपन नेक्स्ट की बात करें तो अपने पास है बेटा इनएफिशियंट ऑन द जॉब ट्रेनिंग। बेटा यार अपनी जो ट्रेनिंग होती है ना, सब स्कूली बच्चों को बोलते ले बेटा सीख ले, अपने यहाँ कॉलेज में भी लॉलीपॉप करवाते, सर ऐसी कैसी बातें कर रहे हो? हाँ यार बेटा, पहली बात तो एक बात बता दूं, जो जो बच्चे यूके यूएस जाने की कोशिश करते हैं, और जो सारे बच्चे जो एक्सचेंज प्रोग्राम के थ्रू बाहर होके आए हैं, या एक्सचेंज प्रोग्राम के थ्रू उनके यहाँ बच्चे आते हैं, तो वहां पे क्या होता है, 10th क्लास के बाद ही एडुकेशन का इक्वल टू ट्रेनिंग, एडुकेशन इक्वल टू ट्रेनिंग। इसका मतलब कि अगर आपने 10th स्टैंडर्ड पास कर लिया है, तो आपको 11th 12th में पैसा बहुत रहेगा आपके पास, नो प्रॉब्लम विथ मनी, बट आपको कुछ ना कुछ करके खुद का खुद जॉब करना पड़ेगा, कुछ ना कोई स्किल एक्वायर करती रहेंगे। आप पेरेंट्स के सपोर्ट के बिना आगे की पढ़ाई करोगे, मतलब वहां पे जो तुम्हारे 11th 12th की फीस जो तुम्हारे माँ बाप भर रहे हैं ना, वह बच्चे खुद 11th 12th के अंदर अपने सब्जेक्ट चूज करते हैं, धीरे धीरे एमबीए करते हैं, धीरे धीरे पढ़ाई करते हैं, और 10th के बाद ब्रेक लेते हैं, ब्रेक लेते हैं, पहले 1 साल का जॉब लेते हैं। तो सर वहां पे क्या है, ट्रेनिंग की इंपॉर्टेंस बहुत अच्छी है। ये तुम मुझसे बैठ के क्या पढ़ रहे हो, अपने अपने घर के एसी के रूम में बैठ के मुझसे नॉलेज ले रहे हो, दिस इज जस्ट द नॉलेज, दिस
इज नॉट द ट्रेनिंग, असली ट्रेनिंग है ना, तो जब आप ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के ऊपर कोई प्रोजेक्ट बनाओ, कोई रिपोर्ट बनाओ, अलग अलग फैक्ट्री में जाओ, वहां पे वर्कर्स की कंडीशन चेक करो, कितने वर्कर्स है, कितनी इफिशियंसी है, कितने स्किल्ड वर्कर्स है, कितनी जॉब खाली पड़ी है, कितनी जॉब भरना है, अगर ऐसा कोई सर्वे करो ना मार्केट में जाके, और उस रिसर्च की कुछ ना कुछ एक अच्छा आउटपुट लेके आओ, तो तुम्हारा ये पढ़ने का मतलब है, अदरवाइज तो तुम उससे रटवाने वाला काम कर रहे हो। तो सर आप बताना क्या चाहते हो? मैं बताना ये चाहता हूँ कि अपने यहाँ ट्रेनिंग पे ध्यान नहीं जाता, एडुकेशन बहुत है, और कोई ऑनलाइन बैठा हुआ, लो मैं ये सिखा देता हूँ, लो मैं ये सिखा देता हूँ, मैं नहीं बैठा हूँ, नहीं बेटा मैं ये भी पढ़ा देता हूँ, वही पढ़ा देता हूँ, तो सर आप पढ़ा ही रहे हो, एडुकेशन ही दे रहा हूँ मैं। अगर मैं एक एक बच्चे का मेंटोर बनूं, चला मैं तेरे को सिखाता हूँ ये चीज कैसे होती है, चला मैं तेरे को सिखाता हूँ टैली कैसे होता है, मैं तेरे को सिखाता हूँ टैली में एंट्रिया कैसे होती है, मैं तेरे को बताऊँ सैप सॉफ्टवेयर कैसे यूज करते हैं, अगर मैं तेरे को वो सब सिखा रहा हूँ और उसके बाद वो सब सिखा के अगर मैं तेरे को जॉब भी लगवा के दे रहा हूँ, तो वो फिर अच्छी एडुकेशन है। तो क्या सर अपने यहाँ पे एक बहुत बुरी प्रॉब्लम यही है क्या ऑन द जॉब ट्रेनिंग की? हाँ यार बेटा, बहुत बार अपने यहाँ की एक और प्रॉब्लम है बेटा, लो एकेडमिक स्टैंडर्ड्स, लो एकेडमिक स्टैंडर्ड्स। तो ये लो एकेडमिक स्टैंडर्ड्स का लॉजिक क्या? लो एकेडमिक स्टैंडर्ड्स मतलब अपने यहाँ एक रूल है बेटा, एटलीस्ट गवर्नमेंट स्कूल का, तो प्राइवेट स्कूल्स का तो नहीं है, लेकिन वैसे प्राइवेट स्कूल में भी ये रूल तो है ही कि आपको 8th क्लास तक तो हर बच्चे को पास करना ही पड़ेगा। तो पास मतलब कुछ भी करके, आप उसकी एक सप्लीमेंट्री लो, गवर्नमेंट स्कूल में क्या आप 8th क्लास तक बच्चों को रिजल्ट दिखाया ही मत करो, थोड़ी बहुत ग्रेड दे दिया करो, और ग्रेड में कोई बच्चा कोई सब्जेक्ट में बहुत ही पीछे हो तो उसको फिर से सप्लीमेंट्री दिला दो। इवन जो बच्चे तुम्हारे जैसे, तुम्हारे प्राइवेट स्कूल में ना, प्राइवेट स्कूल का भी ये रूल है, प्राइवेट स्कूल का भी यही रूल है कि आप 8th क्लास तक किसी बच्चे को फेल नहीं कर सकते, उससे कोई क्लास रिपीट नहीं करा सकते। मतलब आप उससे एक सप्लीमेंट्री लो, दो सप्लीमेंट्री लो, तीन सप्लीमेंट्री लो, उसको 4 बार एग्जाम दिलवा दो, लेकिन आप किसी को फेल नहीं कर सकते। सेकेंडली पासिंग परसेंटेज एज पर द बोर्ड्स है 33.33%। मतलब अगर 100 मार्क का पेपर आता है और एक बच्चा 33 मार्क ले आता है तो ही इज डिक्लेयर्ड एज पास। इसका मतलब उसको आधा ज्ञान भी नहीं है, उसको आधा ज्ञान भी नहीं है और उसको पास कर दिया जाता है। इसका मतलब अगर वही बच्चा बड़े होकर डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, सीए बने, तो उसके क्या आधे ज्ञान ना होने के बाद भी वो उस पोस्ट पे रहेगा और उसको उस पोस्ट का कोई नॉलेज नहीं रहेगा तो वो उस पोस्ट का मिसयूज करेगा, उसको समझ में ही नहीं आएगा मैं क्या काम करूं, वो सिर्फ एक ही काम करेगा साइन करने का, वो एक्चुअल काम नहीं कर पाएगा। तो डिस्कशन के लिए फोरम खोल